इतना ये आप जोड़ सकते हैं सिस्टम में, तो बिना किसी ताखिर के। और फिर सारे स्टूडेंट की तरफ से, उसाध्या की तरफ से मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। और ये अगला 1 घंटा या जो भी वक्त आप निकाल सके अपने बिजी शेड्यूल से, ये बच्चे आपके हवाले हैं। स्टूडेंट्स, आप अपने माइक्रोफोन को म्यूट करेंगे और आराम से सर के लेक्चर सुने। बाद में आखिर में जितने सारे क्वेश्चन आप ले सकते हैं उसी तरह से आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उनका जवाब मिलेगा। वेलकम सर, स्पेस इज योर्स नाउ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you organizers of this program Government Career College Patna यस सर, आवाज आ रही है आपकी। जो भी इस प्रोग्राम मुंसलिक हैं I am highly thankful of you for giving me the opportunity to share my views. हालांकि ये एक नया बाब शुरू हुआ है इसमें जो क्यूरिकुलम में है हमारे टाइम में तो कोई पूछता भी नहीं था कि आप जिंदा भी हैं या नहीं है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जो भी होता था अपने ऊपर ही चलता था। लेकिन खैर गवर्नमेंट भी अब आयुष के ताल्लुक से बहुत ही क्या कहें उसको, मतलब इसको नंबर वन पे ले रहे हैं। जो कि आपने पिछले साल से देखा होगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आयुष को लेकर ही चलते हैं, जहां कहीं भी वो कोविड की बात छेड़ती है या कहीं भी हेल्थ सेक्टर की बात छेड़ती है तो आयुष ही उनके जहन में पहले होता है, उसके बाद बाकी चीजें होती हैं। जहां तक मैं जान गया हूं कि इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों में उत्साह जगाने के लिए कि नहीं आयुष जो है ये हमारा अपना है और हम इसमें जो है आगे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देयर इज ये ब्लाइंड टनल है जिसके अंदर हम दाखिल हुए हैं और आगे कोई रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं मेरा जहाँ तक ताल्लुक है टॉपिक तो मेरा एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स का है, लेकिन आई एम हाईली थैंकफुल ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स को उन्होंने लिबर्टी दी है कि हम दाएं बाएं भी जा सकते हैं। एथिक्स पे तो इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, 1 घंटे तक बोलना बहुत, 10-20 मिनट भी बहुत मुश्किल तय करने का। लेकिन जहाँ तक आयुष सिस्टम या पर्टिकुलरली हम यूनानी सिस्टम को ले लें, जहाँ तक इसको इसमें आने का मुद्दा होता है लोगों का, और तो ये मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं हमारे जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर बैठे हैं वो भी जानते हैं, दिस इज सेकेंडरी चॉइस, प्राइमरी चॉइस तो हमेशा एमबीबीएस ही होती है। लेकिन यहाँ तक मैं समझ चुका हूँ, मैं अब 1985 में मैं लिया था तो तब से अब तक मैं यूनानी को ही लेके चल रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि यूनानी की वजह से ही अगर मेरी कोई पहचान है इट इज बिकॉज ऑफ यूनानी, फर्स्ट बिकॉज ऑफ यूनानी एंड देन बिकॉज ऑफ सीसीआरई। अगर इस वक्त कोई मुझे जानता है नेशनली और इंटरनेशनली, वरना मेरे बैच में जो आधे डेंटल सर्जन हैं आधे मेडिकल डॉक्टर्स हैं आधे इंजीनियर्स हैं, उनकी उतनी पहचान जहां तक मैं समझ सकता हूं उनकी उतनी पहचान नहीं और थ्रू आउट द वर्ल्ड आई मे से यूनानी में जहां कहीं भी यूनानी चलता है, लेट इट बी पाकिस्तान, लेट इट बी बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई, शारजा और अदर प्लेसेस, तो हमें इसी के नाम से जाना जाता है कि यूनानी का अगर कोई है तो वो
प्लानी है, वो है, ये है, तो ये आप खुद में एक स्पेशलिटी है। इसमें आपको सुपर स्पेशलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। यूनानी डीएमएस ग्रेजुएट इज स्पेशलिस्ट हिमसेल्फ, जो कि यूनानी में स्पेशलाइजेशन रखता है, और उसको सुपर स्पेशलिटी भी करार दिया जा सकता है। जब भी हमारे पास कोई रेफर होके आता है, इवन एलोपैथिक पीपल रेफर पेशेंट्स टू वी, हमारे काउंसिल में विटिलिगो का अच्छा इलाज होता है, वंग्राजमा का अच्छा इलाज होता है, तो जब भी एलोपैथिक वाले रेफर करते हैं तो वो रेफर ये जानकर करते हैं कि वहां पे आपका यूनानी फिजिशियन केयर करेगा। यूनानी फिजिशियन वहां पे ये नहीं है कि वो डीएम यूनानी का होता है, यूनानी फिजिशियन इज सिंपली डीएमएस ग्रेजुएट। बाद में आगे चल के अगर वो पीजी करता है दैट इज एडिड क्वालिफिकेशन, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करता है दैट इज ऑल्सो एडिड क्वालिफिकेशन। लेकिन चूंकि आप फ्रेशर्स हैं, जब हम भी एज अ फ्रेशर कॉलेज में घुसे थे तो हमें भी लगता था कि पता नहीं कहाँ आए, क्या आए, आगे क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा। लेकिन 5 साल के बाद फिर चीजें ऐसी चेंज हो गई थी कि इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। और अब जो दौर चल रहा है ये आयुष का दौर है, मैं खाली यूनानी का नहीं कह रहा हूँ, ये आयुष का दौर है। सारी गारमेंट आयुष की तरफ नजरें रखी हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री भी जी वो भी आयुष की तरफ ही, उनका भी ध्यान है कि अगर कुछ हो सकता है ये महामारी के ताल्लुक से जो आजकल चल रहा है कोविड, तो ये आयुष की आयुष से ही हो सकता है, बाकी जगहों से तो हम फेल हो चुके हैं। एवं वैक्सीन के करने के बाद भी वही प्रकाशन लेने पड़ते हैं जो वैक्सीन के बगैर भी लेने पड़ते। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक दैट इज एथिक्स। एथिक्स का डेफिनेशन क्या है? एथिक्स इज अ लीगल वे ऑफ डीलिंग विद द थिंग्स, जहां पे आप ऑनेस्ट हो, ट्रूथफुल, ऑनेस्टली, इसको एथिक्स कहते हैं। एथिक्स लीगली ऑफेंस भी हो सकता है और ऑफेंस नहीं भी हो सकता है। आप किसी को रेस्पेक्ट करें या ना करें, इसमें कोई कानून नहीं है कि नहीं आपको रेस्पेक्ट करना ही करना है, बट देयर इज एथिक्स। इसी तरह से कुछ एथिक्स ऐसे होते हैं जिसमें लीगलिटीज होती है, जिसमें आपको लॉ को फेस करना पड़ता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पेशेंट। पहली चीज जो होती है आपका एथिक्स टुवर्ड्स योर फैमिली, जहां से आप शुरुआत करते हैं, देन टुवर्ड्स द सोसाइटी, जो जहां पे आपका मिलना जुलना है, सोशल वेलबींग, सोशल जो टाइप आपका है उसके साथ, फिर आपका एथिक्स होता है। उसके बाद आपका एथिक्स, नाउ यू आर इन द कॉलेज, कॉलेज में एज स्टूडेंट आपका एथिक्स क्या कहता है, सिंस यू आर इन द कॉलेज एज अ प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल डिग्री है, तो एज मेडिकल स्टूडेंट आपका एथिक्स क्या होता है। तो ये स्टेजेस है एथिक्स के, पहले फैमिली, देन सोसाइटी, देन एज अ स्टूडेंट इन द कॉलेज, देन एज अ प्रोफेशनल एज अ मेडिकल स्टूडेंट। फैमिली के प्रति आपकी क्या एथिक्स, ये सब जानते हैं। इसमें मैं पहले ही कहा हूं, फेथ, ऑनेस्टी और सच्चाई, जो वैल्यूज होते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज जो अपने होते हैं, उनको कंजर्व करना, अपनी फैमिली में हर एक का भरोसा जीतना, ये भरोसे की बात होती है कि एक पेरेंट्स बच्चे पे भरोसा करते हैं, बच्चे पेरेंट्स पे भरोसा करते हैं, भाई बहन पे भरोसा करता है, बहन भाई पे भरोसा करते हैं। दिस इज एथिक्स, ये कोड ऑफ एथिक्स होता है कि मुझे किसके साथ कैसे रहना है। भाई बहन के साथ झगड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप के साथ अलग तरीके से रहना है, और फिर अगर ग्रैंड पेरेंट्स है उनके साथ किस तरीके से रहना है। दीज आर एथिकल कंसिडरेशंस। उसके बाद आपका सोसाइटी में नेबर्स के साथ, हमारे एथिक्स जो है हमारे रिलीजन में बहुत अच्छी तरह से दर्शाए गए हैं,
कि आपके पेरेंट्स के ताल्लुक से किस तरह से बिहेव करना है, आपको अपने भाई बहन के ताल्लुक से कैसे बिहेव करना है, आपका हमसाई का हक ये नहीं है वहाँ पे कि वेदर ही इज़ अ मुस्लिम और नॉट, वहाँ पे ये है कि आपके हमसाई का हक, आपके एल्डर्स जो सोसाइटी में है उनका हक, वहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि वेदर ही इज़ फ्रॉम योर रिलीजन और नॉट, ये कहीं नहीं लिखा है। देर आर एटिकेट्स, देर आर एथिक्स, एथिक्स यही है कि आपको किस तरह से उनके साथ सलूक करना है, ये भी हमारे रिलीजन में लिखा गया है कि अगर आपको किसी के लिए कोई चीज खरीदनी हो, जैसे आप अपने लिए खरीदे वैसा ही अपने भाई के लिए खरीदे, वैसे ही अपने जो भी आप पे भरोसा करता है। फिर अमानतदारी, ऑनेस्टी, ये इसका भी एक बिल्कुल वाजह बयान है हमारे रिलीजन में, इसी यही ये चीजें एथिक्स कहलाती है। आप कहीं पे झूठ बोलेंगे तो उस पर कहीं जेल नहीं होती है, आप बड़ों को सलाम नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, कहीं पे भी जेल नहीं जाना, लेकिन एथिक्स होता है, एक एटिकेट्स होता है कि अगर मैं इसको रेस्पेक्ट करूंगा तो मुझे भी जो मेरे नीचे मेरे जूनियर है वो मेरा रेस्पेक्ट करेंगे, ये वैसे वर्षा होता है, जिस तरह आप अपने बड़ों को ट्रीट करेंगे वैसे ही आपको आपके छोटे ट्रीट करेंगे। उसके बाद सोसाइटी के बाद आपके एज अ स्टूडेंट जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, इसमें क्या होता है एज अ स्टूडेंट, पहली बात ऑटोनॉमी, देन प्रिवेंशन ऑफ हार्म, टू बी गुड, डू द जस्टिस, एंड देन फिडेलिटी, ये चीजें, ये चार पांच चीजें जो है ये स्टूडेंट का एथिकल प्रिंसिपल होता है। स्टूडेंट क्लास में नहीं भी जाएंगे तो कौन पूछेगा, इसमें ऑटोनॉमी होती है उसकी, ऑटोनॉमी इसमें होती है कि वो कितना पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, ये भी एक ऑटोनॉमस, उसका अपना ऑटोनॉमी होता है, अपना एक लाइन लाइन होता है, एक बाउंड्री होती है, लेकिन वहां पे भी कहीं पे बाउंड्री ऐसी होती है कि जिसको आप, जो हदें आप क्रॉस नहीं कर सकते, जहां पे दूसरे का जो है वो कहीं मारना हो जाए। दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है, सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आना है, अपने टीचर्स का आदर करना है, जब भी आप टीचर्स का आदर करेंगे तभी टीचर पूरे ध्यान लगन से आपको वही देगा जिसका जिसके जिसके खातिर आप आए हैं या जो आप डिजर्व करते हैं। उसके बाद आपके एथिक्स आते हैं, मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स में सबसे पहले डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप सबसे अहम तरीन यही होता है। मैं ये कहता हूं कि डॉक्टर के सामने पेशेंट टेबल पे ही 50% ठीक हो जाता है। आई हैव एग्जांपल्स ऑफ दिस, मेरे पास एग्जांपल्स हैं, मैंने मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया हुआ है। सलीके से बात करना पेशेंट के साथ, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेना, उसके साथ जोक्स, उसके उसको उसका दिल बहलाना, फिर जाके उसको उसके डिजीज के तह तक पहुंचना, वहां से उसको आपको वापस आपको उसके लेवल पे आना है। ऐसा नहीं है कि आप कुर्सी पर बैठे हैं बड़े डॉक्टर के हैसियत से और फिर वो बेचारा गरीब आदमी है और वो आपको अपनी दास्तान सुना भी नहीं पाता है, क्योंकि वो एक कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। आपको उसके लेवल पे आना है, उसके साथ बात करते करते उसको महसूस होना चाहिए नहीं ये मेरा अपना है कोई, ताकि वो खुल के आपके साथ बात करेगा। जब वो खुल के आपके साथ बात करेगा, जान लीजिए कि वो आधा वहीं पे ठीक हो जाएगा और आप भी इजीली डायग्नोस कर पाएंगे। मेरा एक एग्जांपल है, एक पेशेंट को मैंने सिंपल काउंसलिंग की। नेचुरली हम रिलीजन को भी ले लेते हैं, सोशल सेटअप को भी ले लेते हैं, सब कुछ एक होलिस्टिक अप्रोच होता है। आपके घर में कैसा है, घर कैसे चलता है, घर में कौन है आपका, मैं थोड़ी सी बातें उसको बोल दिया तो वो खुल गया। और आखिर में उसने ये कहा कि डॉक्टर साहब, ये नुस्खा जो है ये मैं तावीज की तरह रखूंगा, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, मैं 80% ठीक हो गया।
अब अगर मुझे लगेगा कि दवाई की जरूरत है तब जाके दवाई लाऊंगा, नहीं तो मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। इस तरीके से पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा तो आई हैव सीन दैट 80-90% ऑफ डिजीज जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है दे आर बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, घरेलू मामलात में बिगाड़, सोसाइटी में बिगाड़। आजकल हालात ही ऐसे हैं कि हर जगह जो आप देखेंगे कि आदमी हमेशा डिप्रेस ही रहता है, सो दैट गिव्स राइज टू डिफरेंट डिजीज, स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज तो वैसे ही फैलते हैं जैसे आजकल कोरोना है, बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में अक्सर आप देखेंगे आइदर ड्यू टू डिप्रेशन वो फ्लेयर अप हो जाते हैं या डिप्रेशन की वजह से ही होते हैं। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है आपकी। जस्ट 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 दूसरे एग्जाम्पल, एक लीड क्लास लेडी अपनी बच्ची के साथ ऐसे ही आई। अब अल्लाह का भी करना होता है, कैसे ये होते हैं, कहाँ कहाँ से सुनते हैं, क्या करते हैं, ये अल्लाह का भी इसमें बहुत सारा हाथ होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम कोई तोप हैं, हम भी जस्ट मॉडरेट क्लास के स्टूडेंट्स रहे हैं, कॉलेज में भी वैसे रहे थे, बाद में जॉब में आए तो वहां पे थोड़ा सा सीखा, बहुत सारा कुछ हमने जॉब में सीखा और पीजी में सीखा, वरना ग्रेजुएशन के दौरान तो हम आपको कम से कम अभी जो टीचर्स मिलते हैं दे आर वेरी वेरी वेल रेड। हमारे जमाने में जो टीचर्स होते हैं वो अल्लाह रहम करे उनको उतनी ही मालूमात होती थी जितनी हमें एज स्टूडेंट होती थी, लेकिन आज के जो टीचर्स हैं दे आर वेल वर्स, मतलब कभी कभी रिशक होता है कि क्या हम उनके साथ कंपीट कर सकते हैं। इतने सीनियर लेवल पे आने के बाद भी जो हमारे छोटे छोटे नए नए टीचर्स हैं, आपके कॉलेज में ही हैं, डॉक्टर तनवीर साहब हैं या नफीस साहब हैं या अभी दूसरे लोग जो नए नए ज्वाइन किए हैं, मैं उनसे सीखा हूँ, मैं ये लेवल में उनसे सीखता हूँ। सो ऐसे लोगों से सीखना ये किस्मत की बात होती है, ऐसे लोगों के अंडर आना, ऐसे लोगों का स्टूडेंट बनना ये किस्मत की बात। हमारे टीचर्स भी हमारे टाइम में हमारे जमाने में जितना हमारा होता था उतने लेवल में तो वो भी होते थे, लेकिन आजकल के जमाने में चूंकि मॉडर्न के साथ कंपीट करना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लिहाज रखना है, मॉडर्न जो भी इन्वेंशंस हैं या जो भी रिसर्चेस हैं उनका पूरा मालूमात होना ये बहुत असर रखता है आजकल के स्टूडेंट्स में। तो मैं आगे वही एथिक्स के बारे में जो चल रहा था, एक एलीट क्लास की लेडी अलॉन्ग विथ हिज डॉटर, जस्ट 11th क्लास की बच्ची, तो उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी बिल्कुल, गर्दन मुड़ना, दाएं बाएं मुड़ना उसको बहुत मुश्किल होता था, आगे पीछे करना मुश्किल होता था। सारे ऑर्थोपेडिशियंस के पास जाके आए थे। अब आपको मालूम है कि हम सेकेंडरी चॉइस होते हैं, प्राइमरी चॉइस इज ऑलवेज अ स्पेशलिस्ट इन एलोपैथिक मेडिसिन। तो वहां से सारे टेस्ट होने के बाद जब हमारे पास आते हैं तो हमें डायग्नोसिस करना बहुत इजी हो जाता है। सो व्हेन आई चेक्ड ऑल द एमआरआई, सीटी स्कैन्स एंड देन एक्सरेज, आई फाउंड नथिंग बैड, कुछ भी नहीं। 11 साल के बच्ची को हड्डी में क्या होगा भाई, वो तो ग्रोइंग एज है। देन आई जस्ट क्लिक इट, मैंने कहा इसका टेम्परामेंट कैसा होता है, हाउ हाउ शी बिहेव्स। हेलो हेलो यस सर, आवाज आ रही है सर। आ रही हूँ सर, आपको आवाज आ रही है? तो मैंने सिंपली इतना कहा कि व्हाट अबाउट इरिटेबिलिटी, क्या ये इरिटेबल है, क्या छोटी छोटी बात पे गुस्सा करती है? तो
ने कहा हाँ बहुत ही ज्यादा। मैंने फिर वहीं पे उनको कहा दैट अब ये नहीं कहना होता एंजाइटी डिप्रेशन है, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज अ सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रेन। हेलो क्या नाम इसका? हेलो कंटिन्यू करें सर आप। सर आप कंटिन्यू करें सर। हेलो सर शायका मुख्तार के नाम से हाँ लगता है सर बाहर होगा भी ज्वाइन करेंगे गेस्ट। सर फिर हमारे बीच आ गए हैं, ज्वाइन कर लिए, जल्दी शुरू करें। आप लोग माइक्रोफोन बीच में ऑन ना करें, अनम्यूट ना करें प्लीज। सर आप सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर कंटिन्यू करें। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके। सो इसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की यही एक परेशानी है कि इसमें कभी कभी आदमी भी फेल हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें। सो वी आर टॉकिंग ऑफ एथिकल कंसिडरेशन एंड होलिस्टिक अप्रोच। तो ढूंढते ढूंढते मैंने ये ढूंढा कि दैट द गर्ल इज सेंसिटिव टूवर्ड्स एवरीथिंग, और उसकी माँ ने फिर ये कहा कि जिस दिन भी इसकी बाई के साथ लड़ाई होती है तो दूसरे दिन गर्दन में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सो दीज थिंग्स आर ऑल्दो पेशेंट को कुछ नहीं था, इट वाज ओनली सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रेन टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स जिसकी वजह से उसको ये नेक में प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये चीजें जो है दिस इज ओनली इन आयुष यू विल फाइंड ये होलिस्टिक अप्रोच। बाकी जगहों पर आपका MRI एक्सरे देख के ये दवाई वो दवाई ये पेंट कोई भी डीप में नहीं जाता है। इट इज ओनली आयुष यूनानी जहां पे हमें कहा गया है एथिकली कि दैट आप पेशेंट के साथ ऐसे मरासिम रख लीजिए ताकि आप पेशेंट का बिल्कुल खाना पीना भी जान सकें कि क्या खाता है क्या पीता है किस तरह से सोता है कौन से करवट सोता है इसके फैमिली के साथ किस तरह से उठना बैठना है कैसा व्यवहार इसका दूसरे लोगों के साथ है। उस बेसिस पे आप फिर डायग्नोस करते हैं कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम क्या क्या दवाई दे सकते हैं। तो ये आपका डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हुआ। देन पेशेंट की ऑटोनॉमी, यू कांट गो डीप। अगर पेशेंट कुछ छुपाना चाहता है तो आप उसको खंगाल नहीं सकते हैं।
दैट इज अनएथिकल कि आप उसके किसी पुराने जख्म को कुरे दें जिसे वो फिर उदास हो जाए, जिसे उसको पुरानी यादें आ जाए। ये पेशेंट की अपनी ऑटोनॉमी होती है, इफ ही गिव्स यू कंसेंट टू ट्रीट दिस दैट इज हिज चॉइस। वो आपके पास आ सकता है, आपके साथ नहीं भी आ सकता, आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप जो भी दवाई उसको प्रेस्क्राइब करेंगे वो उसकी मर्जी है कि वो आपकी दवाई लेगा या नहीं लेगा, आप उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। दवाई लेने के ताल्लुक से, परहेज के ताल्लुक से, हाँ आप उसको समझा सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि भाई ये चीजें आपके फायदे के लिए हैं, अब आपकी मर्जी है आप करेंगे या नहीं करेंगे। मैं भी वैसे ही पेशेंट को कहता हूँ, भाई ये हमारी दवाई है, ये आपका बीमारी है, ये आपका इलाज है, ये आपका डाइट है, अब आपकी मर्जी है आप करेंगे नहीं करेंगे, कोई दोष दबाव है नहीं। तो पेशेंट की ऑटोनॉमी जो है दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, आजकल तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी भी बड़ा ताक रखी गई है कि अगर कोई कोविड पेशेंट आपके पास आता है, आपको लगेगा कि ये कोविड पेशेंट है, यू हैव टू रिपोर्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि कॉन्फिडेंशियलिटी ये थी कि पेशेंट की बीमारी का उसके घर वालों को भी पता नहीं चलना चाहिए। कुछ कॉन्फिडेंशियल बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो सोसाइटी में बताने के लायक नहीं होती हैं। पेशेंट आप पे भरोसा करके आपको कहता है और आपको वो कॉन्फिडेंशियल रखना ही रखना है। लेकिन अब उसके बरक्स है कि अगर कोई कोविड पेशेंट आपके पास आया तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के को जरूरी इतला देनी है कि भाई ये कोविड पॉजिटिव आदमी है, आप इसका कर लीजिए क्या करना। खैर ये एथिक्स थोड़ा चेंज हो गई। देन टेलिंग द ट्रूथ, आप पेशेंट को कुछ टाइम के लिए बहला सकते हैं कि नहीं आपको कुछ नहीं है, आपको वो नहीं है, आपको ये नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आपको कहना ही पड़ेगा कि भाई आपका ये चीज है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि इफ आपके पेशेंट को बीमारी का इजहार करने से उसको नुकसान ही ज्यादा हो जाएगा, देन इट इज बेटर नॉट टू टेल इट। इसकी एग्जांपल भी मेरे पास है। मेरे एक फ्रेंड मेरे पास आए कि मेरे फादर को जो है यूरिन के साथ खून बिल्कुल फ्रैंक ब्लड आ रहा है, आप बताइए क्या करेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, गेट हिम हियर, वी विल गो फॉर द अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी करने के बाद पता चला कि उसको कैंसर स्टेज सेकंड, लिवर इन्वॉल्व हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर इन्वॉल्व हुआ है, स्प्लीन इन्वॉल्व हुआ है। मैंने फ्रेंड को कॉन्फ्रेंस में लेके कहा कि भाई इसको कुछ नहीं कहना है, इसको कहो भाई तुम्हारी ये दवाई है, चुपचाप बैठे रहो। तो वैसा ही हुआ, उसको कुछ नहीं कहा गया। 7-8 महीने के बाद मैं गया तो मैंने देखा कि ये बाग में काम कर रहा है। मैंने कहा यार ये तो काम कर रहा है, इसको तो रेस्ट में रहना चाहिए। कहा नहीं, इसको तो हमने बताया नहीं ये बीमारी क्या है, तो इसलिए इसको पता ही नहीं है कुछ, और ये ठीक ठाक लग रहा है। एंड ही सर्वाइव्ड फॉर 5 years सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको कहा नहीं गया। जिस दिन उसको मैंने फिर फ्रेंड को वही कहा कि जिस दिन इसको पता चलेगा कि ही सफरिंग फ्रॉम कैंसर, उस दिन ही ये मरेगा, खत्म। क्योंकि वो वहम जो होता है उसी से आदमी ज्यादा मरता है, बीमारी उतनी प्रॉब्लम नहीं करती। सो दीज आर सिर्फ एग्जाम्पल्स जहां पे एथिक्स आपका जो है एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस, ये भी एथिक्स में आता है। देन पेशेंट्स राइट्स, उसके क्या हकूक हैं, ये भी एथिक्स में आता है। देन यू हैव इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस टूवर्ड्स द पेशेंट। ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी मखसूस कंपनी की दवाई लिखेंगे उससे फायदा नहीं होता होगा पेशेंट को, फिर भी आप लिखते जाएंगे, तो दैट वो अगेंस्ट द एथिक्स जाता। देन प्रोफेशनलिज्म, जो आपका प्रोफेशनल मांगता है, नोबल प्रोफेशन है आपको। ये आम कहावत है कि डॉक्टर को मरीज भगवान समझता है, तो हमें भगवान की तरह बिहेव भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस
पेशेंट को मतलब झाड़ा, पेशेंट के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, ये चीजें एथिक्स में आती हैं। इसमें कोई आपको जेल भी नहीं ले लेगा अगर आप पेशेंट के साथ ठीक व्यवहार नहीं करेंगे तो। कोई इसमें ये नहीं है मतलब इट इज नॉट एनी लीगल ऑफेंस, लेकिन एक एथिक्स होता है कि नहीं, पेशेंट अगर कुछ भरोसा करके मेरे पास आया है, लेट अस टेक केयर ऑफ हिम, उसको अपना जान के। पहली बात ये कि उसके जेब पे ज्यादा बोझ ना पड़े, दूसरी बात ये कि डायग्नोज हो और उसको ट्रीटमेंट सही मिले। ये चीजें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पेशेंट जिस जहां तक हो ठीक होके हमें दुआएं दे, इतना बहुत है। देन रिलेशनशिप विद द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वहां आपको दूरी बनाए रखनी ही है, वरना इंडस्ट्री जो है आपको बिल्कुल दे टेक यू फॉर ग्रांटेड, आपसे कोई भी दवाई लिखवा लेते हैं जिसका आगे कोई असर ही नहीं होता है, उनको अपने पैसे से गर्ज होता है। टुडेज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज अ बिजनेस हब। ये पुराने वक्त में होता था, हमदर्द एज हमदर्द वक्फ लेबॉरेटरी आई थी वजूद में, लेकिन बाद में उसका वक्फ खत्म करके नाउ एवरी यूनानी इंडस्ट्री इज अ मनी मिंटिंग मशीन, पैसा कमाने की मशीन है। जरूरियात है ये भी एक, हमें भी इससे एक फायदा है कि हमें दवाइयां तैयार करदा मिलती हैं, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज का जहां तक ताल्लुक है वो कुछ ज्यादा ही एथिक्स के अगेंस्ट जाती हैं। वैसा नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्री के फवायद जो भी हैं, एज अ फिजिशियन मैं कहूँगा कि मुझे दवाई बनाते बनाते बहुत मतलब एक एक पेशेंट के लिए कम से कम एक हफ्ता चाहिए था, वही दवाई मुझे रेडीमेड मिलती है, लेकिन उसमें दवाई क्या बराबर रहती है नहीं रहती है, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर दैट। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, अगर हम खुद बनाने बैठेंगे तो उनकी कीमत कम से कम 2-3 हज़ार से कम नहीं होती है, हो जाएगी, लेकिन जब हम बाजार में देखते हैं तो 100-150 रुपए की दवाई मिलती है, तो वहां पे बिग क्वेश्चन मार्क लगता है। मैं आपको सिंपल दवाओं कुरकुम की बात कहूँ, ये मैंने कई बार लेक्चर में भी कहा कि दवाओं कुरकुम में जो 10 ग्राम का दवाओं कुरकुम है उसमें 4 ग्राम जैफरान होना जरूरी है, तो 60 ग्राम की डिबिया में 24 ग्राम तो होना ही होना है। 24 ग्राम अगर हम सी ग्रेड सैफरान भी ले लेंगे, 100 रुपए से ग्राम कम ग्राम नहीं मिलता है, तो 2400 रुपए सैफरान का ही होता है। अगर आप बाहर दुकान पर देखेंगे दवाल कुरकुम की डिब्बी, 60 ग्राम की डिब्बी जो है, 60 ग्राम का पैक जो है, दैट ओनली कॉस्ट 200 रुपीज, जबकि सैफरान ही उसमें लगना चाहिए था 2400 रुपए का। अगर 2400 रुपए ना सही, कम से कम 2000 रुपए भी उसकी कीमत रखते, 1500 रुपए भी रख लेते तो हजम हो जाता, लेकिन 150 रुपए ये हजम होने वाली बात नहीं है। तो दीज थिंग्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ। उससे अच्छा ये है कि आप खुद दवाई ला के, खुद पाउडर बना के, खुद शरबत बना के दे दें, उसमें आपको ये मालूम है कि दैट व्हाट यू आर गिविंग टू द पेशेंट, और पेशेंट को बहुत चीप पड़ता है और आप भी 2 पैसे कमाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि यूनानी में कोई फ्यूचर नहीं है, ये बिल्कुल एक अनपढ़ जैसी बात है। मैं कहता हूं कि हर एक प्रोफेशन में फ्यूचर है। मैंने देखा है कि MBBS करके भी लोग बेकार बैठे हैं, और मैंने देखा है कि BAMS करने के बाद लोग इतना कमाते हैं कि हम उम्मीद मतलब हमारे इमेजिनेशन से भी आगे। तो इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, ऑन योर लक। ये चीजें जो हैं इन्हीं के बुनियाद पे जो एथिक्स है, एथिक्स भी वही है कि आप कितना नोबल अपने प्रोफेशनल को कितना नोबल आप समझते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आप कितना पेशेंट्स के साथ एथिकल कंसिडरेशन, एथिकली पेश आते हैं, प्रोफेशनली पेश आते हैं। नंबर तीन, आपको पेशेंट का स्टेटस भी मद्देनजर रखना है कि ये क्या इतनी कीमती दवाई, इतनी कीमती फीस, इतना फीस, इतनी कीमती दवाई, क्या ये ला सकता है कि नहीं ला सकता। हमने देखा है हाल ही में न्यूज में आया था,
कि 10 रुपए वाले डॉक्टर, हालांकि एमबीबीएस करके फिर 10 रुपए में इलाज करते हैं, जबकि एमबीबीएस इसीलिए करते हैं कि रुपए कमाया जाए। तो बीएमएस वाला भी अगर ऐसा करे तो मुझे नहीं लगता है कि हम किसी से पीछे रह रहेंगे। आई थिंक आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम। डॉक्टर साहब, हेलो जी सर, हाँ क्या फिनिश करें या अभी और स्टूडेंट अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं सर से। अगर किसी को कोई क्वेरी है, we have good gathering, I think we have 80 participants, ये जा सकता है या फिर बेहतर है चल के मिली ले। सर एक क्वेश्चन है सर जी, सर पूछ रहा है कि सर आरआरयू में बेसिकली यूनानी ग्रेजुएट्स के लिए, बेसिकली सीसीआरयू में यूनानी ग्रेजुएट्स के लिए क्या स्कोप है। देखिए हमारे पास पहली फुर्सत में ये है कि दैट इट इज ओनली पीजीज जिनके लिए पोस्ट्स हैं, लेकिन कहीं कहीं हमारे जो फेलोशिप जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है कॉन्ट्रेक्चुअल जो होते हैं वहाँ पीजी नहीं मिलने की वजह से फिर हमें जूनियर रिसर्च फेलो या सीनियर रिसर्च फेलो वो ग्रेजुएट लेवल के ले लेते हैं, बाकी जो भी पोस्ट्स हैं वो पीजी लेवल के ही होते हैं। आजकल पोस्ट ग्रेजुएशन से कम कहीं पे भी कोई पोस्ट नहीं होता है, especially in CCRM and in academic institutions. ये दो चीज दो जगह हैं, academic institutions और CCRM, जहां PG की से कम कोई पोस्ट है ही नहीं। बाकी जो मेडिकल ऑफिसर स्टेट के हैं या CGHS है वहां पे तो ग्रेजुएट्स ही चलते हैं, वहां पे बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट ही होता है, लेकिन हमारे पास कम से कम रिसर्च एसोसिएट कंट्रेक्चुअल तक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ही होते हैं, और उसके नीचे जो जूनियर रिसर्च फेलो या सीनियर रिसर्च फेलो है उसमें वी कैन टेक द ग्रेजुएट्स। होप यू गॉट द आंसर। हेलो सर, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं आवाज जा रही है सर आपको? जी 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 आवाज आ रही है, आप बताइए। आवाज जा रही है सर आपको, एक बार कंफर्म कर देंगे सर। जी जी मैं सुन रहा हूँ सर। हम जिस तरह से देख पा रहे हैं कि डिजीज के जो जो डोज है, जो मतलब कि लोड बढ़ रहा है दुनिया में डिजीज का, तो बहुत जल्दी से हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की तरफ बढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल से। कुछ एपिडेमिक्स को पेंडेमिक को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो डिजीज का लोड है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का है, जिसमें आयुष और यूनानी एक बेहतरीन आमिन के अपना हिस्सा रखते हैं कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इन बच्चों के क्या आपका मैसेज होगा कि किस तरह से ये यूनानी को इस ढंग से अभी से लें ताकि ये बेहतर जो है इन डिजीजों को ट्रीट कर पाने में, मैनेज कर पाने में अपने आप को तैयार कर पाए। देखिए हमने मैंने पहले भी जो कहा है कि दैट देयर शुड बी होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच ये है कि कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमेशा जो है इट इज बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, जो आपने चेंजेस लाइफस्टाइल चेंजेस जो आती हैं, आपको मालूम है कि मिजाज जो है प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी मिजाज तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा, सेकेंडरी मिजाज चेंज होता रहता है। जिस तरह का आपका एनवायरमेंट मिलता है, आप देखेंगे गांव में जो लोग हैं वो कम बीमार होते हैं बनिस्बत की जो सिटी के लोग हैं। सिटी में क्यों ज्यादा बीमार होते हैं? नंबर वन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नंबर टू उनका ठीक जो
आबो हवा है जो मतलब जो माहौली कसाफत होती है वो ज्यादा होती है, खाने पीने के मामले में लापरवाही होती है, चलने फिरने में लापरवाही होती है। तो ये जो डिजीज है नॉन कम्युनिकेबल, दे आर ऑलवेज इनका जो है, एक तो मैं पहले ही कहा हूं कि स्ट्रेस रिलेटेड भी होता है और दूसरा आपका लाइफस्टाइल। तो अगर आप आज से ही शुरुआत करें, हमारा सबसे बेहतरीन चीज जो है असबाब जरूरिया, इन उन चीजों पे अगर हम अमल करेंगे जो हवा माकूल मशरूब नौम व यज्ज़ा एहतिकास इस्तफराग हरकत सुकून बदनी हरकत सुकून नफसानी, ये चीजें जो है इनको अगर आप, मैं बताऊं आपको जो हमारा मंतिक व फलसफा जो है यूनानी का जो हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता था और हम उसको बहुत ही लाइटली लेते थे, ये मुझे बाद में पता चला कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यूनानी इज हैविंग। यूनानी में अगर कोई चीज है वो वही मंतिक व फलसफा है। पूरी तरह से बताया गया है कि किस तरीके से आपको ये फिलोसफिकल जो जो चीजें हैं जो डॉक्टर को होनी चाहिए वो सारा उसमें बताया गया है। लेकिन हम चूंकि फर्स्ट ईयर में लटर मस्ती में होते थे, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो वो बाद में हमें मतलब पीजी लेवल में आने तक तब मुझे पता चला कि नहीं, वो जो मंतिक फलसफा जो हम पढ़ते थे और पढ़ाते जो थे वो बेसिक यूनानी का था। और अगर उसी पे ज्यादा चलेंगे, आपका जो असबाब सत्ता जरूरिया है, आपका जो वो मंतिक फलसफा है, वो बेसिक को अगर हम बहुत ही अच्छी तरह से ले लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से जानेंगे, तो हम इंशाल्लाह अच्छी तरह कामयाब तदीब आगे चलकर बन सकते हैं। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है? जी जी हेलो, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ आपको, मैंने जवाब दे दिया, जवाब नहीं देना। हेलो